गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये है कैमरा निकॉन Z6। वेल, कैमरा के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। करंट डेज में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स तीनों ही फॉर्मेट के लिए अगर आप वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स के लिए या फिर फेसबुक में भी रील्स आता है, या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए, और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इस तरीके का कोई भी मिररलेस कैमरा या फिर DSLR कैमरा, वो भी अपने गिम्बल के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है DSLR कैमरा या फिर मिररलेस कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें आप कर सकते हैं एक प्रोफेशनल कैमरा को यूज़ करके। बट क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए एक 9:16 रेशियो में वर्टिकल वीडियो, और जब भी आप मिररलेस कैमरा के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली बात आप यूज़ करेंगे अपना गिम्बल। अब एक ऑप्शन है, या तो आप 16:9 रेशियो में वीडियो को शूट कीजिए, फिर उसे पोस्ट प्रोसेसिंग में या फिर एडिटिंग में वर्टिकल वीडियो की तरह क्रॉप कर लीजिए और उसे अपलोड कर दीजिए, बट उसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो अगर आप उतना भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक L ब्रैकेट को माउंट करके आप अपने मिररलेस कैमरा को वर्टिकली माउंट कर पाएंगे अपने किसी भी गिम्बल के ऊपर। इन माई केस मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI का RS3, और आपको दिखाते हैं, ये दोस्तों हमारा L ब्रैकेट, कुछ इस तरीके का L ब्रैकेट आपको दिखता है, आप देख लीजिए ऐसा ही आपको मिलता है। यहाँ पे अगर आपने इसे नया ख़रीदा है तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हिस्सा है इसका, ये दोनों साइड से लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पीछे की साइड देखेंगे, यहाँ पे नट के ऊपर ही टाइट रहता है। आप इसे अगर खोल के नीचे की तरफ माउंट करेंगे तो यहाँ पे भी ये नट की तरह साथ टाइट हो जाएगा, और इन दैट केस आप इसके ऊपर माउंट नहीं कर पाएंगे। और ये L ब्रैकेट यूनिवर्सल है तो मेजॉरिटी कैमराज के ऊपर माउंट ईजिली हो जाता है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को रेंट पे लेकर चेकआउट करना चाहते हैं तो काजल स्टूडियोज़ में संपर्क कर सकते हैं। काजल स्टूडियोज़ में ये L ब्रैकेट साथ ही ये गिम्बल आपके लिए रेंट पे अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब भी बात आती है इस L ब्रैकेट को इस कैमरे के ऊपर माउंट करने की, उसके बाद हम इसे माउंट करेंगे इस गिम्बल के ऊपर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस L ब्रैकेट का ये जो हिस्सा है, ये हमेशा होना चाहिए बैटरी कंपार्टमेंट की तरफ, ठीक है। ये हिस्सा जो है हमेशा होना चाहिए बैटरी कंपार्टमेंट, और मेमोरी कार्ड जिस तरफ ये मेमोरी कार्ड आपका लगता है उस तरफ होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए ये हमारा कैमरा, यहाँ पे अगर मैं L ब्रैकेट को इस तरीके से माउंट करता हूँ, यहाँ पीछे के साइड आपको स्क्रू मिल जाता है, इस स्क्रू के साथ हम इसे यहाँ पे टाइट कर सकते हैं। पहले मैं कर लेता हूँ फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, हमने इस L ब्रैकेट को हमारे इस कैमरे के ऊपर कर दिया है माउंट, और इसके ऊपर अब मैं चाहूँ तो और भी काफ़ी सारे एसेसरीज लगा सकता हूँ, बट हमारा मेन मकसद क्या है, अब हमें माउंट करना है इस L ब्रैकेट को हमारे गिम्बल के ऊपर। अगर इन नॉर्मल कंडीशन अगर आप इस गिम्बल के ऊपर कैमरे को माउंट करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से माउंट करते हैं, ठीक है, ये आपका नॉर्मल पोजीशन है। बट अब इस L ब्रैकेट के साथ अगर आप इस कैमरे को किसी भी गिम्बल के ऊपर माउंट करने वाले हैं तो आपका कैमरा कुछ इस तरीके से माउंट होने वाला है, और ये वर्टिकल रहने वाला है, वो मैं आपको माउंट करके खा दे, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा है वो वर्टिकली माउंट हो गया है हमारे गिम्बल के ऊपर, और अब मैं चाहूँ तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए ईजिली अपने मिररलेस कैमरा को यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ वर्टिकली वीडियोज़ बड़ी ही आसानी से और हाई क्वालिटी में, और अपलोड करके ऑब्वियसली बात है अपने चैनल, अपने पेज को ग्रो कर सकता हूँ। तो अगर आप इस L ब्रैकेट को खरीदना चाहते हैं तो लक्ष्मी स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं। अगर इस L ब्रैकेट को आप रेंट पर लेकर चेकआउट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं किस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है तो आप संपर्क कर सकते हैं काजल स्टूडियोज़ में। इस L ब्रैकेट को साथ में गिम्बल को रेंट पर लीजिए, चेकआउट कीजिए और इन्जॉय कीजिए। सो ये था हमारा छोटा सा वीडियो L ब्रैकेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर इसके ऊपर इन डिटेल आप जानना चाहते हैं कि L ब्रैकेट को यूज़ करने के बाद आप अपने कैमरा को बैलेंस किस तरीके से करेंगे किसी भी गिम्बल के ऊपर, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बना देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड बाय बाय।